जी मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं दोराई हस्ती विहार कॉलोनी में रहता हूँ। और जो भी टाटा पावर वाला बिजली बिल वगैरह आ रहा है तो उसके बारे में मैं एक छोटा सा कंप्लेंट वगैरह था मेरा इसमें कि आप ये देखिए, ये मेरा मीटर रीडिंग है जो मैंने कल रात में फ़ोटो खींचा है। कितना है ये? इसमें 9266 का, ठीक है, बताना चाहूँगा आपको। 9266 का मीटर रीडिंग है मेरा। और अब 24, ये अब थोड़ा ये कैमरा दे दिखाइए, 24/5/2019 को वो मेरे घर आए थे मीटर रीडिंग वाले और वो लिखे गए 9790। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो कम से कम 525 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, 524 यूनिट का डिफरेंस है। आपका बिल आया 24 तारीख को? 24 तारीख को बिल नहीं आया, सॉरी, 24 तारीख को वो रीडिंग, मतलब रीडिंग लेने वाले आते हैं ना घर पे, वो रीडिंग लेने के लिए आए थे तो उन्होंने मेरी रीडिंग ली है 9790। जबकि मेरी सीरीज में आपको दिखा रहा हूँ मेरे मोबाइल में जो मैंने कल फोटो खींची शाम के टाइम। और ये और हंसी की बात बताना चाहूँगा, टाटा पावर जिसे ये कंपनी भले अच्छी बहुत बढ़िया होगी लेकिन उनके जो नुमाइंदे काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि दिन में आपके मीटर में दिखाई नहीं देता है तो फिर वो रीडिंग किस हिसाब से लेके जाते हैं? ये आपने 6 जून को रिकॉर्ड किया था जिसमें 9266 रीडिंग आ रही है और 24 आपके ये 24 तारीख को जो बिल आया है उसके अंदर 9790 आ रहा है, यानी कि जो आपका पुराना बिल था उसके अंदर पहले ही रीडिंग 500 यूनिट बढ़ा के दे दी। जी, बढ़ा के दे दी। तो मेरा ये कहना है कि सर, जब मीटर रीडिंग लेने वाले आते हैं तो वो किस हिसाब से मीटर रीडिंग लेके जाते हैं, मेरा ये कहना है। अगर वो ऐसा करते होंगे तो मेरे जो जितने भी बिल हैं उससे पुराने वाले उन सभी भी ऐसा कैसा किया होगा उन्होंने। अगर उसको दिखता नहीं है तो उसको अपनी डाटा पावर को बोलना चाहिए कि मुझे इस मीटर में दिखाई नहीं देता तो आप इस मीटर को चेंज करो, ऐसा तो करना नहीं चाहिए ना। और सर, दिन में उस मीटर में बाकायदा दिखाई नहीं देता है, तो ये मेरा रात का फोटो लिया हुआ है, रात का विजुअल है। तो मेरा ये कहना है, मैं ही नहीं अजमेर वासियों सभी से ये कहना है कि जितने भी आपके पास बिल आते हैं उस बिल को एक बार ध्यान से देखिए, उसकी मीटरिंग को देखिए कि वो जो प्रॉपर मीटरिंग है कि नहीं है, कहीं ना कहीं आप कुछ ज़्यादा यूनिट्स का पैसा दे रहे हैं उनको। तो बस अच्छा, मेरा यही मसला। ये मीटर आपका पहले बंद था या चालू ही था? जी, मैं इसकी 2 बार पहले कंप्लेंट कर चुका था, दोनों बार इंस्पेक्टर आया चेक करने के लिए, तो एक बार उसने हाथ लगाकर चेक करके मुझे बोला कि आपका मीटर तेज चलता है, तो मैंने कहा कि सर इसको आप चेंज करवा दीजिए। तो उसने कहा सर चेंज अगर आप हम करेंगे तो आप वहाँ जाके अपना कंप्लेंट करिए। फिर मैं वहाँ कंप्लेंट करने गया तो उन्होंने बोला कि हम एक और आदमी को भेज रहे हैं, वो आदमी आया, वो घर पे मीटर चेक कर गया तो उसका ये कहना था कि मीटर बिल्कुल सही है आपका, लेकिन जब पहले वाला आदमी आया था उसका ये कहना था कि मीटर आपका बहुत तेज़ चलता है और ये कभी कभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल जाता है, इस वजह से आप अपना मीटर चेंज करवा लीजिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी और इसके बाद से ये हाल आते हैं इसके। इसी मंगलवार पर MTTV इंडिया ने जो जनसुनवाई होती है एविविनल की ओर से उसकी पड़ताल की थी, जिसमें हमने आपको जो जनसुनवाई में मामले आ रहे हैं, शिकायतें आ रहे हैं बिजली के बिलों से जुड़े हुए कई मामले वहाँ पे थे। टाटा पावर कंपनी जिसको BJP की गवर्नमेंट ने, जब तत्कालीन गवर्नमेंट BJP की थी पिछली, तो उन्होंने टाटा पावर को जिम्मेदारी दी अजमेर सिटी की और तब से ही ये लगातार गलतियां आ रही है। GST के मामले बिलों के अंदर जुड़कर आ रहे हैं, उसके साथ साथ अब ये रीडिंग का एक मामला हमारे सामने आया है। जनसुनवाई में भी हमने आपको दिखाया था कि इस तरीके से बिजली की शिकायतें, बिजली के बिलों के अंदर बढ़कर रीडिंग्स आ रही हैं, उसकी शिकायतें टाटा पावर कंपनी के खिलाफ आ रही है और ये एक बार फिर एक मसला हमारे सामने आया है। खैर, अब देखते हैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इस पूरे मामले में, या टाटा पावर कंपनी इस पूरे मामले में क्या करती है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTTV इंडिया, अजमेर।